हेलो। हाँ ईशान, सभी मिली? हाँ कॉलेज में थी। कॉलेज में थी? इतनी रात को कॉलेज में क्या कर रही थी? कुछ स्टूडेंट्स ने रैगिंग के नाम पर उसे क्लासरूम में बंद कर दिया था। ओह माय गॉड। सभी सभी ठीक है? हाँ वैसे तो ठीक है, उसके हाथ में चोट आई है। और ईशान, इस सब के पीछे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसी पनिशमेंट दो कि ऐसा ही करने वाला हूँ मैं। क्या हुआ, मिली? हाँ मिली, लेकिन। अरे लेकिन क्या? कुछ स्टूडेंट्स ने उसके साथ रैगिंग की है। साहब सवाल ही नहीं उठता। भोसले इंस्टीट्यूट में आज तक कभी कोई रैगिंग की कंप्लेंट आई नहीं। साहब वो लड़की झूठ बोल रही है। रैगिंग के खिलाफ जो भी रूल्स और रेगुलेशन हमने बनाए हैं, जो कड़क नियम बनाए हैं, उसके बारे में तो एजुकेशन मिनिस्टर भी बोल चुका है सबको। वैसे भी वो लड़की झूठ बोल रही है, उस पर विश्वास नहीं है मुझे। अलग लग सकते क्या? दादा वो लड़की झूठ नहीं बोलती। खैर ईशान को इसके जड़ तक पहुंचने दीजिए, फिर जो भी गिल्टी स्टूडेंट्स हैं देखना पड़ेगा उनके साथ क्या एक्शन लेना चाहिए। नहीं यार आयुष, मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। हमें तो ईशान दादा खुद चले गए कॉलेज। उस मिस गवार ने ना हजारों बार हमारा नाम लिया होगा अभी तक। सुन तू एक काम कर, तू बाकी सारा प्लान सबको बता दे, ठीक है? हाँ चल भाई। एक मिनट, अब कौन सा प्लान है? यार तू अभी परेशान मत कर, ठीक है? दूरवा, परेशान होने वाली बात है। प्लीज यार अभी बता दे तुम लोग क्या करने वाले हो। एक्चुअली हम लोग अभी मिस रामटेक के लिए वेलकम पार्टी रखेंगे, मीट एंड ग्रीट। मजाक मत कर, बहुत सीरियस मैटर है। तुझे पता है अगर उसे कुछ हो गया तो बात कितनी बिगड़ सकती है। इसीलिए बस इसीलिए ना मैं तुझे कुछ बताना नहीं चाहती। यार तू मेरी बहन हो के इतनी डरपोक कैसे हो गई? सुन तू सांस ले, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है? हम क्लास खत्म होने के बाद निकल गए थे कॉलेज से। इस झूठ को तू अपना सच बना ले और कोई कुछ भी पूछे, कितना भी पूछे, यही बोलना, ठीक है? और मुझे नहीं लगता कि वो मिस गवार हमारे दादा को हमारा नाम लेगी, और अगर ले भी लिया तो दादा उसका यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा वो उसे ना पसंद करते। अच्छा अगर दादा को यकीन हो गया तो उसकी बातों पे, अगर हम में से किसी ने अपना मुंह खोल दिया तो? यार तू किसी न्यूज की रिपोर्टर है क्या? हाँ मुंह खोल रही तो बस नेगेटिविटी ही बोल रही है। थोड़ा चिल कर, रिलैक्स कर, कुछ सोच रहे थे मुझे। मैं बताऊं? प्लीज सुनना सुनना प्लीज। एक काम करते हैं, इस मैटर को ना ज्यादा खींचते नहीं है। चल ईशान दादा को जाके सब कुछ सच सच बता देते हैं। चल दिमाग खराब हो गया तेरा? ईशान दादा को कुछ भी मत बोलना, कुछ चक्कर चलाती हूँ। दुर्वा,